कप भी अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा सा लैग महसूस होता है। पंच उतना आपको महसूस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लैग महसूस होता है। मेरे सब बस्ती बोल के ले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये बट खान पेंदे मंगे जान जा लेंदे असी बैठे हां बठाया बंदे उठने नहीं दंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली करदा है तंग कीड़ा दस बल्ली। हे एवरीवन, तो आज पल्सर NS25 का 5 बिगेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मुझे आ रहा है और मतलब कि इसके ओनर को भी आ रहा है। मैंने भी चलाया इसे कंटिन्यू 100 किलोमीटर, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ है इसमें। बाकी बात इसका 5 जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर लेना चाहते हैं NS125 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि लेने के बाद फिर आप पछताएँगे, तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी आप चलाएंगे चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अगर आप 70-80 से ऊपर जाते हैं तो गाड़ी का टान जो है टान पकड़ता नहीं है। तो एक पहला प्रॉब्लम है कि गाड़ी आप चलाते हैं तो शुरू में तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन आप सोचेंगे NS160 और 200 वाला मज़ा आया, तो ऐसा मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि उतना पैसा भी आपने को लोग पे नहीं किया है। तो इसके हिसाब से आप उतना उम्मीद मत रखिएगा कि उतना ज़्यादा पिकअप आपको मिलेगा। तो 70-80 के बाद ये गाड़ी दम तोड़ने लगती है, पहला। दूसरा, गाड़ी में मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा खोजती है। बजाज की गाड़ी मेंटेनेंस कम मांगती है, लेकिन इसमें आपको मेंटेनेंस ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो चेन है ओपन चेन सिस्टम है, तो इसमें आपको 500 किलोमीटर के बाद हर बार आपको इसमें चेन लूप कराना होगा, चेन क्लीन करवाना होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है आपको कि हर 500 किलोमीटर के बाद सर्विस कराना होगा और चेन का अलग से सर्विस चेन लूप कराना होगा, तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है आपको। और तीसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप रात में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का जो हेलोजन बल्ब है इसमें आपको उतना विजिबिलिटी नहीं मिलेगा। आगे से आप देख सकते हैं, इधर से मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा सकता हूँ। तो इसका जो आगे से हेलोजन लाइट है वो भी एक नेगेटिव पॉइंट में आता है कि आपको उतना ज़्यादा रोशनी नहीं मिलेगा और उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है देखने में। तो ये एक तीसरा प्रॉब्लम है। और बाकी बात सर्विस इसका ज़्यादा लगेगा, ये आपको मैं पहले बता दिया। और इसमें माइलेज आपको गाड़ी अच्छा देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगी, लेकिन तो गाइस गाड़ी चलाने में अच्छी है, लेकिन पिकअप भी अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा सा लैग महसूस होता है। पंच उतना आपको महसूस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लैग महसूस होता है, मतलब जैसे आप थ्रोटल लेते हैं उस हिसाब से नहीं होती है, हल्का सा लो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा आपको। और ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में, देखिए कि पूरा क्लच को छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो फिर गाड़ी वहीं पर रुक जा रही है गाड़ी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, पूरा क्लच आपको लेना होगा इसमें। बाकी बात मतलब कि चलाने में उतना खास मज़ा नहीं आ रहा है, गाड़ी तुरंत रेस हो जा रही है। थोड़ा सा मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा है, मेंटेनेंस लो मेंटेन, ये लोग जिसका बाइक है वो लोग उतना मेंटेनेंस नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा और दिक्कत हो रहा है। बाकी बात गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसकी बात करें तो प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें आपको मैंने बताया कि मेंटेनेंस ज़्यादा है, आपको चेन ओपन सिस्टम है तो उसमें आपको चेन लूप कराना होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और इनिशियल पंच आपको कम मिलता है, और बाकी बात 70-80 के बाद गाड़ी रोड उतना पकड़ के नहीं चलती है। ऐसे खासकर वेट इसका अच्छा है, 125 cc में सबसे ज़्यादा वेट इसी गाड़ी का है, लेकिन फिर भी 70-80 के बाद वो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। बाकी बात एक और प्रॉब्लम है इसमें कि इसका जो लाइट है वो आपको हेलोजन मिलता है, तो उसमें भी एक थोड़ा सा दिक्कत है, अगर LED मिलता तो वो भी एक सही बात होता। बाकी बात ब्रेकिंग, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ब्रेकिंग उतना सही नहीं है, मतलब फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, पीछे में ड्रम मिलता है, लेकिन ब्रेकिंग जो लेवल का होना चाहिए वैसा ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है।
और एक और प्रॉब्लम है इसमें कि गाड़ी जो है हीट पूरा होती है, हीटिंग इशू इसमें आ रही है गाड़ी में, क्योंकि मैंने एक बार 100 किलोमीटर लगातार चलाया था तो उस दिन हीटिंग इशू भी मुझे महसूस हो रहा था। गाड़ी आवाज़ भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कुछ कुछ प्रॉब्लम बहुत सारे आ रही है बाइक में। अगर नया में उतना पता नहीं चलता, लेकिन गाड़ी अभी 10,000 किलोमीटर चल गई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 के बाद से ये सब प्रॉब्लम आपको मिलेगी, तो इसका आप लोग ध्यान रखें कि 10,000 किलोमीटर के बाद आपको अगर मेंटेनेंस नहीं कर तो गाइस मैंने आपको बताया ये सब प्रॉब्लम है इसमें, तो अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम का सामना करना होगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आर्यन मोटर को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।